नाम है बड़गांव। ये ढूंढ आया, ये गुफा इस बात की प्रमाणिकता है। मैंने पिछले बार आया था, मैंने संदेश दिया था, बड़गांव गुफा इस बात की प्रमाणिकता है, मैया के पथ पर है, बड़गांव नहीं है, धाम है, तीर्थ है, ये गांव नहीं है, तीर्थ है। बड़गांव मैं फिर से प्रार्थना करके जाता, मैं सालीबान में रुकूंगा, बड़गांव सालीबान तक आ जाए, है ना। चलते नहीं बनेगा बड़गांव से, ध्यान रखना, नाल में अन्न नहीं है, नाल में काल लेके ही घूम रहा हूँ मैं सालीबान। स्वामी महाराज नहीं समझना मुझे, तालिबान पीढ़ियां चल नहीं पाएंगी। स्थान की मर्यादा का पालन करना, संक्रमण आपदा में निपट जाओगे। कोई ऐसा घर नहीं, कोई ऐसा गांव नहीं जहां विघ्न बाधाएं ना आए। रोग है, दोष है, आपत्ति है, विपत्ति है, ये गांव की पहचान हो गई। गांव की पहचान थी गुरु से, गोविंद से, शंकर से, गांव की पहचान थी सिद्धों से। गांव की पहचान बना दी आपत्ति, विपत्ति, विघ्न, बाधा, रोग, दोष, ये गांव घर घर में फैल गया। किसी का शरीर काम नहीं कर रहा, किसी का दिमाग काम नहीं कर रहा, किसी का हार्ट फेल, किसी का लीवर फेल, किसी का दिमाग फेल। देवता अमृत पान करते हैं, मदिरा पान चल रहा है गांव गांव में। हट हट हट, अमृत पान के स्थान पर मदिरा पान नहीं। गांव मर्यादा का पालन कर ले, ये स्पष्ट संदेश गांव को, घर को, भक्त को, प्रेमी को देना। अमृत पान का स्थान है नर्मदा के पथ, अमृत पान हुए देवता अमृत पान करने के लिए आते हैं। पीढ़ियां मदिरा पान करेंगी, चल नहीं पाएंगी। नर्मदा के पथ के गांव तीर्थ हैं, धाम हैं, और धाम की मर्यादा होती है मदिरा पान। यदि गांव में चले तो पीढ़ियां चल नहीं पाएंगी, पीढ़ियां चल नहीं पाएंगी, ये ध्यान रखना। न जाने किस किस पग पग पर तीर्थ है, जैसे कमंडल होते हैं वे जो खड़खड़ाते हैं, ऐसे ऐसे सिद्ध बैठे हैं तेरे गांव में, बाहर द्वार के बाहर, अंदर भी बाहर भी। मर्यादा का पालन नहीं हुआ, समूल समाप्त हो जाएगा। 40 साल पहले कैसा, 50 साल पहले कैसा उमंग था, उत्साह था, कोई रोग नहीं, कोई दोष नहीं, कोई बाधाएं नहीं। आए दिन चुनौतियां बाधाएं चल रही है, आए दिन चल रहा है नहीं चल रहा है। गलत जीवन शैली, गलत आचरण। मैया के पथ पर है दर्शन, है प्रत्यक्ष है, देख देवता दर्शन करने आते हैं, ये देख सिद्ध यहीं बैठ के साधना करते हैं। जहां बैठ के सिद्ध साधना करते हैं उन गांव में मदिरा पान नहीं, उन गांव में मदिरा पान नहीं। और मदिरा पान हुआ जीवन समाप्त होगा, काम नहीं चल पाएगा। सामूहिक रूप से पंचायतें फैसला कर लें, जीवन सुरक्षित चाहिए कि विघ्न बाधाओं और संक्रमण का शिकार गांव और घर को चाहिए। प्रवचन वाला मत समझना मुझे, मैं इसी माँ के आंचल में जी रहा हूँ, यही रहता हूँ, स्थान भी यही है, तट ही मठ है, तट मठ है।
तटई मठ है। 50 साल पहले भी बैठा, 100 साल पहले भी बैठा, 1000 साल पहले भी बैठा, और स्थिति परिस्थिति में तेरा गुरु तेरे संग में बैठा बैठा है। बोल रहा है।